अभी जो मैच हो रहा है नारायण दल शेरवानी वर्सेस अमन तिवारी, दोनों 7-2 समय 7-2 रेडी और पहला रेड करते हुए अमन डिया खिलाड़ी शेरवानी के पाले में, एनडी शेरवानी के पाले में रेडर द्वारा अंक दावा करता हुआ निश्चित ही अंक मिलेगा। टच पॉइंट पहली रेड में अमन डिया अंक बनाते हुए और एक पॉइंट मिलता हुआ पहली रेड में खाता खुलता हुआ अमन डिया का। एनडी शेरवानी की तरफ से 7 नंबर का जर्सी पहने हुए खिलाड़ी अमन डिया के पाले में जाने माने रेडर है। 7 खिलाड़ी के मध्य पहली रेड करते हुए बोनस आन है यहाँ पर। पहली रेड में अंक प्रयास यहाँ पर और खाली हाथ वापस अमल दिया खिलाड़ी 85 नंबर के जर्सी पहने हुए खिलाड़ी शेरवानी के पाले में रेड करते हुए 6 खिलाड़ी के मध्य जबरदस्त रेड करते हुए बोना सान है यहाँ पर। खाली हाथ वापस 7 नंबर खिलाड़ी एनडी शेरवानी का खिलाड़ी अमन दिया के पाले में जबरदस्त रेड करते हुए यहाँ पर जबरदस्त पॉइंट निकालते हुए एक पॉइंट मिलता हुआ एनडी शेरवानी का खाता खुलता हुआ। कृपया महिलाओं के किनारे जो पुरुष वर्ग है उनसे निवेदन है कि थोड़ा उनसे दूर हो जाएं, उनके लाइन से थोड़ा दूर हो जाएं, धन्यवाद। अमल डिया खिलाड़ी शेरवानी के मैदान में रेड करते हुए लेफ्ट राइट से कॉर्नर से अंक निकालने का प्रयास यहां पर मेहनत करते हुए अंक के लिए और खाली हाथ वापस एनडी शेरवानी तरफ रेड करते हुए जबरदस्त रेडर है जाने माने रेडर बारुद और अंक दावा कर रहे थे अंक मिल गया निश्चित ही पॉइंट मिलता हुआ एक पॉइंट मिलता हुआ एनडी शेरवानी को। टू एंड डायरेक्ट करो या मारो की स्थिति यहां पर 84 नंबर के पहने हुए जर्सी अमन डिया खिलाड़ी को निश्चित यहां पर पॉइंट निकालना होगा नहीं तो अंक देना पड़ेगा और पॉइंट निकालने प्रयास यहां पर लेकिन उतनी सुंदर डिफेंडर द्वारा सपोर्ट मिलता हुआ और पॉइंट मिलता हुआ एनडी शेरवानी को। 4 खिलाड़ी के मध्य शेरवानी के रेडर अमन डिया के पाले में रेड करते हुए 9 नंबर का जर्सी पहने हुए खिलाड़ी अंक निकालने का प्रकाश यहां पर धरपकड़ की आवाज दर्शक खामोश मेहनत करते हुए खिलाड़ी अंक निकालने के लिए और खाली हाथ वापस मध्यांतर के लिए समय 9 दबा। एनडी शेरवानी के पाले में अमन डिया खिलाड़ी रेड करते हुए या जबरदस्त हर डिफेंडर द्वारा निश्चित ही पॉइंट मिलेगा एनडी शेरवानी को। पॉइंट मिलता हुआ 1-4 से आगे चल रही है एनडी शेरवानी सुपर टेकल यहां पर निश्चित 2 अंक मिलेगा और 2 अंक मिलता हुआ सुपर टेकल का फायदा मिलता हुआ अमन डिया को 2 पॉइंट के रूप में। अमन डिया खिलाड़ी शेरवानी के पाले में 6 खिलाड़ी के मध्य यहां पर बोनस आन है। वापसी करते हुए अमन डिया इस मैच में खाली हाथ वापस 4 खिलाड़ी के मध्य शेरवानी का रेडर अमन डिया के पाले में 9 नंबर के जर्सी पहने हुए अंक निकालने का प्रयास यहां पर मेहनत नहीं कर रहे हैं मेहनत करना होगा अंक निकालना है तो। लेफ्ट राइट कॉर्नर खेलते हुए संघर्ष करते हुए अंक निकालने के लिए और खाली हाथ वापस अभी भी ज्यादा आगे नहीं चल रही है
सरवानी एक पॉइंट से आगे चल रही है। अभी तक इस मैच में काफी सुंदर दबदबा बनाते हुए अमल डिहा खिलाड़ी और खाली हाथ वापस, जबरदस्त रेड करते हैं एमडी सरवानी के पांच नंबर के खिलाड़ी, जाने माने रेडर हैं, पॉइंट निकालने माहिर है और पॉइंट निकालने का प्रयास करते हुए मेहनत करना होगा पॉइंट निकालना है तो। और यहां पर जबरदस्त डिफेंडर द्वारा हवा में उछाल लगाते हुए एक पॉइंट मिलता हुआ अमल डिहा को। डू एंड डायरेक्ट करो या मारो की स्थिति यहां पर काफी सुंदर खेल यहां पर देखने को मिल रहा है। दोनों तरफ से काफी दबदबा बनाते हुए यहां पर रिक्स लेना होगा खिलाड़ी को, बोनस तो है नहीं, टच करके ही आना होगा और टच करने का प्रयास यहां पर। और तो निर्णायक बताएंगे यार, आउट हो गए निर्णायक बताएंगे। रेडर आउट है भैया, आप लोग डिसाइड मत करो ना यार, रेडर रखे हैं दो एम्पायर है। एक पॉइंट मिलता हुआ एनी सरवानी को, चार खिलाड़ी के मध्य जबरदस्त यहाँ पर डिफेंडर द्वारा और वन पॉइंट मिलता हुआ एनी सरवानी को। फिर से गए हैं अमल डिहा खिलाड़ी एनडी सरवानी के पाले में, जबरदस्त रेडर है, जबरदस्त उछाल यहाँ पर, लेकिन उतनी सुंदर डिफेंड और पॉइंट मिलता हुआ सरवानी को। सुपर टेकल यहाँ पर, अगले बार दो पॉइंट मिला था निश्चित ही, अभी भी एक मौका है दो पॉइंट बनाने का अमल डिहा को, अगर इसको पकड़ो और दो अंक लो और बढ़त करो अपने आप में। और यहाँ पर जबरदस्त पकड़ने का प्रयास, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलता हुआ साथी का और एक पॉइंट मिलता हुआ एनडी सरवानी को। लास्ट खिलाड़ी रेड करने के लिए गए हैं, यहाँ पर निश्चित ही अंक लाना चाहिए या अंक देना चाहिए, समय को बचाना है तो अंक लेकर आओ या तो अंक देकर आओ। मेहनत करते हुए एक लड़के के लिए और जबरदस्त कामयाब होने की स्थिति में थे, लेकिन डिफेंडर उतनी सुंदर डिफेंड, वन प्लस टू, तीन पॉइंट मिलता हुआ एनडी सरवानी को। और मध्यांतर खिलाड़ी अमल डिहा के पाले में, यहां पर अमल डिहा को मेहनत करना होगा इस मैच में बने रहना है तो। 4-11 आगे चल रही है, यहां पर जबरदस्त रेट पॉइंट निकालते हुए एक पॉइंट मिलता हुआ अमल डिहा को। 10 नंबर की जर्सी पहने हुए एनडी सरवानी का खिलाड़ी अमल डिहा के पाले में, 6 खिलाड़ी के मध्य रेड करते हुए जबरदस्त रेडर हैं, अपना जलवा दिखाते हुए अंक निकालने का प्रयास करते हुए, अंक मिलता है वही सफल रेडर है। कोशिश तो सब करते हैं लेकिन जो पॉइंट निकालता है वही रेडर अच्छा है। और जबरदस्त यहाँ पर डिफेंड, बहुत सुंदर डिफेंड, दस नंबर की जर्सी रेड करने के गए हैं अमल डिहा के पाले में, काफी सुंदर रेड करते हुए। अगर पॉइंट निकालते हैं तो ₹50 का पुरस्कार रखा गया है सेजल की तरफ से, और पॉइंट के चक्कर में अपना अंक गवा दिए और उसका फायदा मिलता हुआ अमल डिहा को। वन पॉइंट मिलता हुआ अमल डिहा को, अभी भी इस मैच में बने रहना अमल डिहा को तो अंक बढ़त बनानी होगी, अच्छे रेड करने होंगे, सुपर रेड करने होंगे, तभी वापसी होगी इस मैच में, मेहनत करनी होगी। जबरदस्त यहाँ पर प्रयास निश्चित ही, दो पॉइंट मिलता हुआ, टाइम आउट अमल डिहा निकल गए हैं। टू एंड डायरेक्ट है क्या, 5 मिनट शेष है,
नौ नंबर का जर्सी पहने हुए खिलाड़ी अमन डिया के पाले में रेड करते हुए समय को काट रहे हैं। बढ़त बनाकर चल रही है सरवानी, धैर्य से खेल रहे हैं एनडी सरवानी खिलाड़ी, रिक्स नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर चाहिए कि अमन डिया को डिफेंड करना होगा, इस मैच में अंक हासिल करना है तो डिफेंड करना ही पड़ेगा या तो पॉइंट बनाना पड़ेगा। रेड से चार खिलाड़ी के मध्य रेड करते हुए अमन डिया खिलाड़ी एनडी सरवानी के पाले में, यहाँ पर जबरदस्त डिफेंड करने का प्रयास, लेकिन फायदा मिलता हुआ अमन डिया को, गलती कर दिए एनडी सरवानी खिलाड़ी। यहाँ पर जबरदस्त डिफेंड अमन डिया द्वारा, एक पॉइंट मिलता हुआ इस मैच में पुनः वापसी करती हुई अमन डिया, संघर्ष करती हुई अमन डिया, ग्राउंड खाली करना होगा एनडी सरवानी का। यहाँ पर सुपर टेकल है, चार मिनट शेष है, अभी बहुत समय है वापसी करने के लिए। सुपर टेकल यहाँ पर, अगर इसको पकड़ेंगे तो दो अंक मिलेगा एनडी सरवानी को, एक मौका है दो पॉइंट बनाने का, अभी भी आगे चल रही है दो पॉइंट से एनडी सरवानी, इसको पकड़ो और दो अंक बनाओ। खिलाड़ी बाहर बैठ गए, आवाज नहीं करेंगे, दर्शक कर सकते हैं, खिलाड़ी नहीं करेंगे। अभी भी दो पॉइंट बनाने का मौका है एनडी सरवानी को, इसको पकड़ो और दो अंक बनाओ। यहाँ पर पकड़ने का प्रयास, प्लेयर चेंज करते हुए लगातार पॉइंट बनाते हुए अमल दिया, तीन मिनट से जबरदस्त डिफेंड यहाँ पर अमल दिया द्वारा, मैच में पुनः वापसी करते हुए अमल दिया निश्चित ही एक वन रेडी। अमल दिया खिलाड़ी सरवानी के पाले में रेड करते हुए सात खिलाड़ी के मध्य, अभी दो पॉइंट से आगे चल रही है और जबरदस्त यहाँ पर रेड करने का प्रयास, लेकिन अंक निकालने में असफल, काफी उछाल और निश्चित यहाँ पर पॉइंट मिलेगा अमन डिया को। बढ़त बनाती हुई अमन डिया लगातार, यहाँ पर सुपर रेड करना होगा सरवानी खिलाड़ी को, इस मैच में बने रहना है तो, और सुपर रेड करने के प्रयास में अपना अंक गंवा दिए, निश्चित ही पॉइंट देते हुए अमन डिया को बढ़ती हुई अमन डिया। टाइम पास कर रहे हैं अमन डिया खिलाड़ी, जान रहे हैं कि बढ़त बन चुकी है, लेकिन यहां पर एनडी सरवानी को चाहिए कि रिक्स लें पॉइंट निकालने के लिए। दो मिनट शेष है मैच समाप्ति के लिए, अभी भी समय है मैच वापसी करने के लिए सरवानी को, अभी भी किसके पल्ले भारी होगा कहा नहीं जा सकता, कबड्डी खेल लास्ट तक कहा नहीं जा सकता। यहाँ पर बहुत गलत किए, कितना अंदर चले गए एनडी सरवानी खिलाड़ी और उसका भुगतना पड़ा, काफी अंदर चले गए थे और अपना पॉइंट दे दिए अमल डिहा को बोनस के रूप में। लगातार बढ़त बनाती हुई अमल डिहा, हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करो, समय है आपके पास, इस मैच में बने रहना है तो, ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, एक सुपर रेट करोगे तो मैच में वापसी हो सकता है। नौ नंबर खिलाड़ी सरवानी खिलाड़ी, एक मिनट से मैच समाप्ति के लिए लगातार प्रयास करती हुई एनडी सरवानी खिलाड़ी, लेकिन अपना अंक गंवा बैठे, निश्चित ही यहां पर पॉइंट बढ़त बनाते हुए करो या मरो की स्थिति। यहाँ पर सुपर टेकल भी है, दो अंक मिलेगा यहाँ पर, इसको पकड़ेंगे तो काफी संघर्ष करती हुई एनडी सरवानी, मेहनत करती हुई, लास्ट क्षण है इस मैच का, संघर्ष करती हुई पॉइंट के लिए, काफी दबदबा बनाते हुए ऑल आउट। पांच पॉइंट मिलता हुआ सुपर डुपर रेट अमल डिहा, काफी बढ़त बनाते हुए अमल डिहा 23
लगभग डबल की स्थिति में है। अमलडीहा के लिए पुरस्कार रखा गया था मनोज नेताम एक्स आर्मी के द्वारा, विशेष पुरस्कार है इस मैच में बढ़त बनाने के लिए। जो मैच गंवा दिए थे अमलडीहा वो जीत लिए और इस प्रकार मैच समाप्ति 11।